पहली बार कई सालों से पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाते थे, संविधान संशोधन 73 और 74 हो गया था, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका फायदा नहीं होता था। यही एक साल के अंदर पंचायत के चुनाव कराए गए, 4000 पंचायतों में 40000 पंच सरपंच आज जनता की सेवा कर रहे हैं। और महोदय में इतना ही नहीं, 3700 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के पंचों का, सरपंचों का, ग्राम पंचायतों का अधिकार था, सीधा उनके हाथ में जाए, वो पहुंचता नहीं था। उसमें से 700 करोड़ रुपया आज सीधा पंचायत के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। और महोदय, इसका सर्टिफिकेट आने के बाद तुरंत ही और 3000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की 4000 पंचायतों को हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। और पंच सरपंच भी बहुत अच्छा काम, कल मैं आया उनको मिलकर आया हूं महोदय, बहुत अच्छा काम है। और एक बात विशेष मैं सदन को बताना चाहूंगा, पक्ष विपक्ष दोनों को इससे आनंद होगा कि कई बार जम्मू कश्मीर में हमने रक्त रंजित चुनाव देखे, सबके मन को दुख होता था, दिल को दिल में मलाल होता था कि चुनाव के अंदर रक्त क्यों धरती पर बहा जा रहा है। 40000 पदों के लिए चुनाव हुआ, अध्यक्ष महोदय एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, एक भी व्यक्ति की जान। पूरा संसद का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर के हर मतदाता ने वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मत प्रतिशत भी बढ़े हैं और हिंसा भी नहीं हुई है। यही दर्शाता है कि स्थिति लॉ एंड ऑर्डर सरकार के कंट्रोल में। जम्मू क्षेत्र के अंदर, लद्दाख के क्षेत्र के अंदर एक पहली बार जनता संतोष का अनुभव करेगी। कोई भी वर्षों से लंबित मसले थे, मैं देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृहमंत्री जी को सदन पर रिकॉर्ड पर अभिनंदन देना चाहता हूं कि पहली बार एक साल के अंदर ये सभी मसलों को एड्रेस किया गया, ज्यादातर मसलों को निपटा दिया गया। जम्मू कश्मीर से, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से आए हुए जो शरणार्थी थे उनका मसला हो, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे उनका मसला हो, उनके स्टेट सब्जेक्ट का विषय हो, हर विषय के अंदर इनिशिएटिव लेने का काम ये राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ है। बंकर नहीं बनते थे, जाने चली जाती थी, मवेशी मारे जाते थे, पशुधन मारा जाता था, कोई मुआवजा नहीं मिलता था। 50000 रुपया एक भैंस मारे जाने पर और संख्या सीमित करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान हुआ है और राष्ट्रपति शासन में, राज्यपाल शासन में वो कंटिन्यू हुआ। लगभग 15000 बंकर बनाने का फैसला हुआ है। हमारे लिए सीमा पर रहने वाले एक एक व्यक्ति की जान का अमूल्य जान है, इसका बहुत महत्व है। इसके लिए पैसों का विचार नहीं किया जाना चाहिए अध्यक्ष। 15000 बंकर बनाने की बात थी, उसमें से 4400 बंकर बन चुके हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो समय सारणी सीमा राजनाथ सिंह जी तय कर गए हैं, वो समय सारणी एक भी दिन लिए लेट करे बगैर 15000 के 15000 बंकर बना दिए। जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें थोड़ा बदलाव कर कुछ नए सूत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। महोदय, जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून 2004 के तहत 43% वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर हुआ है, जिसमें अनुसूचित जातियों को 8%, अनुसूचित जनजातियों को 10%, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को 20% और कमजोर निर्धन लोगों को 2% और नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों के निवासियों के लिए 3%। मैं आज जो प्रस्ताव लेकर आया हूं ये वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो 3% आरक्षण है इसके अंदर वो 3% के अंतर्गत ही इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को भी ये आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, ये प्रस्ताव लेकर आए। इसका कारण है, चाहे एलओसी हो, चाहे एलएसी हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तीनों सीमाओं पर जो गांव बसे हैं उनको उनकी हार्डशिप एक समान है। तीनों के उस और पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर या तो पाकिस्तान है, गोलाबारी करते हैं, सीज फायर का बार बार उल्लंघन करते हैं और जब
सेल यहां पर आते हैं तो यहां इतनी नुकसान होता है जिससे बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई में सातत्य रखने में बड़ी दिक्कत आती है। ये आरक्षण किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, मगर सदन ने संवेदना के साथ ये बात को विचार करना चाहिए। जब सेलिंग होती है माह माह तक कई दिनों तक बच्चों को शेल्टर हाउस में रहना पड़ता है, स्कूल बंद हो जाती हैं, शालाओं कई महीनों तक चलती नहीं है, तो उनकी आईक्यू होने के बावजूद, इंटेलिजेंसिया होने के बावजूद उसके मार्क लाने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए उनको ये रिजर्वेशन दिया जाता है महोदय। और जब कानून बना एलओसी के लोगों को भी मिलना चाहिए, एलएसी के लोगों को भी मिलना चाहिए, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो गांव है वो शायद छूट गए थे, उसका विचार नहीं किया गया। राज्यपाल महोदय ने यहां पर प्रस्ताव भेजा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो गांव बसे हुए हैं उसको भी आरक्षण का फायदा देना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में नया कानून या तो कानून में संशोधन करने का विधानमंडल का जो अधिकार है वो संसद में नहीं है, इसलिए ये प्रस्ताव को लेकर मैं आया हूं। और महोदय, इससे जम्मू क्षेत्र के करीब करीब 3.5 लाख नागरिकों को इसका फायदा होगा, कठुआ सांबा और जम्मू जिले के लोगों को फायदा होगा, कठुआ के 70 गांव, सांबा के 133 गांव और जिला जम्मू के 232 गांव को उसको फायदा होगा। और 3.5 लाख लोगों की आबादी जो पाकिस्तान के साथ कभी भी सीज फायर का उल्लंघन जब होता है तब इसको झेल रही है, उनके बच्चों को जो उसके कारण नुकसान होता है, शायद इस आरक्षण से वो नुकसान की कुछ भरपाई हम कर पाए। हम कश्मीर की आवाम की चिंता करने वाली सरकार है, आज तक उनकी पंचायतों को अपना पंच और सरपंच चुनने का अधिकार किसने नहीं दिया था? सिर्फ 3 ही परिवार इतने साल तक कश्मीर के प्रशासन करते रहे, पंचायत का शासन भी वो करे, तहसील पंचायत का भी वो करे, जिला पंचायत का भी वो करे, म्युनिसिपालिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी वो करे और सरकार भी वो चलाए। क्यों भाई, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? आज माननीय अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए आपके माध्यम से इस सदन को बताते हुए आनंद हो रहा है, 40,000 पंच सरपंच अपने अधिकार के साथ अपने गांव का विकास, विश्वास इस तरह से खड़ा होता है। इंसानियत तो वो है कि 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं को एक टॉयलेट उपलब्ध कराने का काम हो सकता है, उसकी झोंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया है, जम्मू कश्मीर के अंदर 1,42,000 लोगों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। इंसानियत तो ये है साहब, इनके मन में जो भय था, शंका थी, अविश्वास था, वो दूर करने के लिए हमने उनको सुरक्षा दी है और जो खड़ा करते थे उनके मन में भय का सृजन किया है, यही इंसानियत है। जमहूरियत का जहां तक सवाल है, 87 लोगों की जमहूरियत की बहुत ज्यादा चिंता मत करो, इलेक्शन कमीशन जब कहेगा हम चुनाव करा लेंगे, शांतिप्रिय चुनाव होंगे, कोई हमारा दखल नहीं होगा, मगर हमने 40,000 लोगों तक जमहूरियत को पहुंचाने का काम दानिश अली साहब हमने किया है। 70 साल तक के 40,000 लोगों को जमहूरियत मालूम नहीं थी क्या, उनके वोट सरकार के एजेंट डाल देते थे, वो अपना नुमाइंदा नहीं चुन पाते थे, वो अपनी बात अपनी पंचायत में नहीं रख सकते, मेरे गांव में क्या चाहिए वो तय नहीं कर सकते थे, मेरे तहसील के अंदर मेरे जिले के अंदर क्या चाहिए वो तय नहीं कर सकते। जमहूरियत इसको कहते हैं कि गांव का विकास कैसे करना वो गांव के सरपंच और पंच बैठकर कर रहे हैं और 1,50,00,000, 80,00,000 जैसी अमाउंट ग्राम पंचायत के खाते में सीधी दिल्ली के खजाने से जाती है, इसको जमहूरियत कहते हैं। और जहां तक कश्मीरियत का सवाल है, कश्मीरियत खून बहाने में नहीं है, कश्मीरियत देश का विरोध करने में नहीं है, कश्मीरियत देश के साथ जुड़े रहने में है, कश्मीरियत कश्मीर की भलाई के अंदर है, कश्मीरियत कश्मीर की संस्कृति को तवज्जो देने की। किसने सूफीज्म को भगाया, किसने कश्मीरी पंडितों को भगाया, ये कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा नहीं है क्या? कहां गए सूफी, कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पर सवाल करते हैं उनको पूछना चाहता हूं, कहां है सूफी? माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर की संस्कृति की हम रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, आपके माध्यम से पूरे सदन को और देश की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, कश्मीरियत जरा भी डाइल्यूट नहीं होगी, ये हमारा संकल्प है।